वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये देखिए हम लोग ऋषिकेश में रिजॉर्ट में आए हुए हैं और हम लोग स्विमिंग पूल से नहा धोकर फिर अभी फ्री हुए हैं और मैंने शावर भी ले लिया है लेकिन बाल गीला गीला है और नहाने के बाद मैंने ये ड्रेस पहना है, आपको फुल लुक दिखाएंगे। लेकिन ये जो टीका लगा हुआ है चंडी देवी में तो ये अभी तक छूटा नहीं, इतना छुड़ा रहे हो नहीं छूट रहा है। और फिर पता चला बारिश भी आ गई, दो मिनट में मौसम बनता है, दो मिनट में बंद हो जाता है। अभी बहुत तेजी से धूप था, ये देखिए यहाँ पर बंद कर दो ना, कहाँ जाए जाओ गाड़ी से खेलने। ये लोग देखो कितना अच्छा मौसम है। तो चलते हैं मोनिका रेड हॉट से मिलते हैं, रेड हॉट कहाँ गई मोनिका, क्या कर रहे हो? देख रही हूँ का मैच लाइव है। लाइव है क्या? किस पे? अच्छा अरे कपड़ा अपना अंदर रख लो, सारा गीला हो रहा है, बहुत तेज बारिश आई है ना, सब लोग हमारे तो अंदर कर ली, देखो सारा गीला हो रहा है, ठंडी लग रही है। अरे यहाँ बारिश में से उठ नहीं रहा है, तो मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है। और ये ब्लॉग शाम का भी रहेगा, बहुत मस्ती वाला ब्लॉग रहेगा, पूरा देखिएगा और खूब प्यार दीजिएगा। अभी नींद में हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ, तो मिलते कुछ टाइम बाद। फाइनली सब यहाँ तैयार हो गए, ये इनको अरे बाप रे बाप, कहाँ बिजली गिराएंगे, कहाँ गिराएंगे, अरे वाह बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी। और बच्चे हमारे लोग की इधर चले, इधर बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, बच्चा बच्चा बन के रहो नहीं तो सच्चा बन जाओगे। सोनाक्षी नहीं देखो, सब रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे में, हम डाल देंगे। अरे ये पहले चप्पल मारा है, तो चलिए बच्चे बच्चे लड़ाई होता है, ये मेरे पति देव है, रुको 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 मेरा ब्लॉग शूट करो, अरे लड़ाई स्टार्ट। तो गाइस ये देखिए ये हमारा लुक है और बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ना जिंदगी की पहली खुशी हमारी यहाँ से शुरू हुई है। और मेरा सपना पहली खुशी, पहली खुशी सोनाक्षी का सपना था मम्मी मुझे कभी पहाड़ी इलाका, पहाड़ी इलाका में ले जाऊँ, गई हूँ वैष्णो देवी गई हूँ, लेकिन यहाँ कुछ अलग है। और देखिए कितना प्यारा सुंदर सुंदर हरी भरी है, पत्ते सूखते नहीं है क्या लग रहा है, हमेशा बारिश हो जाती तो सूखेंगे क्या। देखिए केले के पेड़ वगैरह, क्या क्या चीज़ के पेड़ वगैरह है यहाँ पर, ये झूला थोड़ा सा हर मिट्टी से झूलते हैं रस्सी वाला, लेकिन ये चूबता अक्सर इस हटो बस चुभ रहा है, ये तो चुभ रहा है रस्सी हटो। तो बने रहे गाइस, चलते हैं कुछ और यहाँ की जो पहाड़ी इलाका है शूट वगैरह करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। अब हम सब निकल गए हैं घूमने के लिए, आगे आगे बच्चे और मंटू उनके पापा जा रहे हैं, आइए आप लोग का कम नजर रहा होगा आने का, आइए एकदम डॉल लग रही हैं, 15 साल की लग रही, बहुत प्यारी लग रही हैं, ये देखिए। लेकिन थीम बना ली होती, थीम बना ली होती कि ब्लैक ब्लैक पिंक पिंक, हम सोचे कि चलो कोई ना। अब ये देखिए हम लोग इसी में नहाए थे गाइस स्विमिंग पूल, आप लोग घर बैठे एंजॉय करिए, मस्त रहिए, अब हमारा वीडियो खूब देखिए प्यार करिए। और मम्मी ये देखिए पहाड़ पे से अभी बहुत तेज़ी से बारिश हुई और धूप हो जाता है यहाँ, मौसम कब चेंज होता है नहीं पता चलता है, बस नज़ारा लीजिए आप लोग। अरे इधर नेट नहीं चलेगा, नेट वहीं तक चलेगा, चलिए आपको कुछ और नया चीज़ दिखाते हैं आज। जब हम तो गाइस जब हम यहाँ पर आए थे जिस टाइम, तो ये पानी एकदम वाइट कलर में था और छोटा में था, ज़्यादा मतलब कि चौड़ा में पानी नहीं जा रहा था, हल्की हल्की। तो यहाँ पर अचानक से कहीं बादल फट गया ये उत्तराखंड में, तो ये पानी का बहाव तेज हो गया है। जब हम लोग आए थे तो ये पानी इतना साफ था, ऐसा लग रहा था कि इसी में नहा लो, अभी देखो ये पानी इतना गंदा हो गया ना, पहाड़ भी ऐसे, गंगा जी में भी पानी आ रहा है, पानी ऐसा आ रहा है। लेकिन ये है कि ये भी तो एक छोटी गंगा मानो तो, हाँ क्योंकि बरसात का टाइम है और कहीं से भी पानी आ सकता है। आप लोग देखो ये सामने सामने ये देख तो रहे हैं, पानी था। अगर बहुत ज्यादा बरसात होगा तो इधर से भी पानी आने लगेगा, देख रही हो सामने, तो हम लोग इधर से गाड़ी लेके आए हैं, अपनी गाड़ी नहीं हम लोग इधर से आए हैं, अरे इधर से आए हैं ऐसे लेके आए गाड़ी, बाप रे। तो हमारी गाड़ी वहाँ देखिए वहाँ खड़ी हो गई है, पहले बोले हैं कि यहाँ से गाड़ी हटा दो, यहाँ कब धूप हो जाता है कब पानी आने लगता है कोई नहीं जानता, हाँ बोले कि यहाँ से गाड़ी हटा दो क्योंकि पानी बहुत स्पीड से आने वाला है, तो सब लोगों ने गाड़ी यहाँ पहले खड़ी थी तो यहाँ से हटा दिया,
ये देखो बच्चे क्या कर रहे हैं ऋषभ, ये पत्थर उठा उठा के फेंक रहे हैं। पानी नहीं फेंकते हैं, पानी में पत्थर नहीं फेंकते हैं, दोष पड़ता है। जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। क्यों फेंक रहे हो? मोनिका जी आ रही हैं रील्स बनाने के लिए। चलिए मेरा फोटो निकालते हैं, फोटो निकालते हैं। तो वहाँ पर मेरा नेट नहीं चल रहा था तो हम यहाँ पर आ गए हैं। तो ये देखिए टेबल वगैरह सब कुछ लग गया है, कुर्सी वगैरह जिसका जो जैसा फैमिली है, तो हमारे लोग का यहाँ पर लगा हुआ है, किसी का उधर लगा है, किसी का उधर लगा, किसी का ऋषभ आ जाओ, थक गए तो आकर यहाँ बैठ गए, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, बने रहे ब्लॉग के अंदर, मिलते कुछ टाइम। तो गाइस ये शाम का समय है और यहाँ पर देखिए क्या खा रहे हैं मोनिका जी, क्या है? पकौड़ी, मैक्रोनी। अच्छा, और पापड़। पापड़ खाओ ऋषभ, ले लो जो खाना है ऋषभ, ये ले लो। ये क्या है? ब्रेकफास्ट है, ये मैक्रोनी है, पास्ता, और ये पापड़ है, और ये पकौड़े हैं, और साथ में चाय। चलिए हम भी ले लेते हैं, तो हमारा चाय वगैरह सब लग गया है, सब लोग बैठे खा रहे हैं, हम भी बैठ गए हैं खाने के लिए। उधर पति देव चाय भी ला दिए हैं। तो ये शाम का नज़ारा है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत सजा हुआ है। और ये रिजॉर्ट था, तो यहाँ पर सब बहुत सारे लोग आते हैं, रुकते हैं, और ये सबका अलग अलग रूम है, और लाइटें वगैरह जल गया है, इसलिए मैं ऊपर से वॉइस कर रही हूँ कि सामने से ना डीजे जब बज गया था, तो शाम को होता है ना लोग इंजॉय करते हैं अपना, तो यहाँ पर डीजे बज गया था, गाना बज रहा था, कॉपी आई था, तो मैंने इसलिए ऊपर से वॉइस कर दिया। तो यहाँ ऋषभ देखो बोल रहे हैं कब से स्विमिंग पूल में जाने के लिए, हमने बोला नहीं तुमको नहीं जाना है, एक बार नहा लेते, बार बार नहाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। चलो नाश्ता पानी करके यहाँ रखे थे ये मोनिका जी के हस्बैंड भी शांति से बैठे हैं। यहाँ पर देखिए आई लव ऋषिकेश, तो ये भी है स्विमिंग पूल, ये लेकिन टेंट वाला, यहाँ पर कोई नहीं टीका है, हम लोग बगल वाले में टिके हुए हैं, टिके हुए गऊँगा में, तो टिका है नहीं लोग है इसके अंदर। हाँ अच्छा, सब में नहीं है। चलिए गाइस ये देखो मदार, तो यहाँ रात का समय था 9:30 से 10:30 बजे तक डिनर का, तो यहाँ पर हम सब आ गए थे डिनर करने के लिए। तो दो रोटियाँ और दाल है, और ये है पनीर की सब्ज़ी और हलवा चावल, तो हम सब कर लिए हैं। मोनिका जी को बोला भी चलो कर लो, लेकिन वो भी कपड़े वगैरह चेंज कर रही थी, तो कल चलो तुम जाओ मैं आ रही हूँ, हम ठीक है। तो यहाँ पर सब अच्छा, मतलब खाना बहुत टेस्टी था खाने में। गाइस इधर चाच और मम्मी चेस खेल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मेरा फायदा उसमें, ये काट देगा ना हमारा, ये भी चला जाएगा ना, काट दो हमारा कोई फायदा, तब भी फायदा करो करो करो, ये चला दो, ये इसे काट सकते हैं कैसे, ये कैसे चढ़ता, नहीं 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 ये देखो यार, अजीब ही, ये क्यों आ रही है फिर लाइन में, कोई बात नहीं, मम्मी का आता है खेलने बीच बीच में भूल जाती है। यहाँ पे खाना पीना खाने के बाद ये गेम बोल रहा था खेलने के लिए, तो समझ में नहीं आ रहा था मेरे को ये गेम खेलना, लेकिन हम भी इसके साथ ही मस्ती कर रहे थे कि मुझे भी आ रहा है, लेकिन लास्ट में जब मैं एकाध दो गेम खेल ली, मतलब एकाध दो स्टेप खेल लिया, तो फिर मैं फंस गई, मैंने बोला मुझे खेलने नहीं आ रहा है, मुझे नींद आ रही, मैं जा रही हूँ सोने। तो गाइस सोच रहे हैं ये वाला वीडियो यहीं से एंड कर देते हैं, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में मॉर्निंग में। तो सुबह सुबह हम लोग निकलने वाले हैं नीलकंठ, और इसी के सारा घूमेंगे, ब्लॉग को खूब प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, तब तक अपने घर मस्त रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए, जाते जाते श्री शिवाय नमस्ते।